ओके, गुड आफ्टरनून। हार्डनेस ऑफ वाटर के न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते समय सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें केवल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कैलकुलेशन है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालते कैसे हैं, ये मैं आपसे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, उसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, तो 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अब हमें ये देखना है, आप अगर ये न्यूमेरिकल देखें पूरा, तो क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस क्वेश्चन में केवल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, और यहाँ आपको जितने सॉल्ट्स दिख रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कैल्शियम नाइट्रेट, देन अनायंस बाइकार्बोनेट, ओएच माइनस कार्बोनेट, ये सारे के सारे हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं। इन सभी की वजह से हार्डनेस होती है वाटर में, या हम कहेंगे जल में क्षारीयता होती है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं ये कहूंगी कि पूरे के पूरे हार्डनेस ऑफ वाटर के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको इन सॉल्ट्स के मॉलिक्यूलर वेट्स या मोलर मासेस याद हो जाएं। अगर आपको इंडिविजुअली कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सबके एटॉमिक वेट्स दिए जाएंगे, आप उसे जोड़ेंगे, जोड़ जोड़ के आप सबके मॉलिक्यूलर वेट्स लिखेंगे, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा, जिसके कारण बच्चे अक्सर न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि कितना भी आपको दिया हो ये सारी संख्याएं, कई बार नहीं भी दी होती हैं, कई बार न्यूमेरिकल में आपको इनके एटॉमिक वेट्स भी नहीं दिए जाएंगे, तो इस केस में आपके लिए बेस्ट सल्यूशन ये है कि आप इनके मॉलिक्यूलर वेट्स या मोलर मासेस को याद कर लें। थोड़े बहुत आप कहीं भूलते हैं तो वो आप जोड़ करके ऐड करके लिख सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड लर्न ऑल द मोलर मासेस ऑफ दीज हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। सो अब देखते हैं आगे, ये जितने भी सॉल्ट्स लिखे हैं ये हार्डनेस करते हैं, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर वेट्स हैं इन सबके। मॉलिक्यूलर वेट्स को हम मोलर मास भी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये होता है मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, तो यहाँ पर देखिए मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है अपॉन मोलर मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और जिसका मोलर मास 162 है, तो 100 अपॉन 162। उसी तरह से 100 अपॉन 146, 100 अपॉन 136, 100 अपॉन 120, 100 अपॉन 111, 100 अपॉन 95, 100 अपॉन 100 फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बीच में हाइड्रोजन था, वैसे यहां बीच में कैल्शियम कार्बोनेट है। 100 अपॉन 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट, 100 अपॉन 148 मैग्नीशियम नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट के लिए 100 अपॉन 61, OH 100 अपॉन 17, 100 अपॉन 60, मतलब सब जगह आपका न्यूमरेटर जो आएगा वो 100 आएगा। डिनोमिनेटर में आप उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, और इस पूरी संख्या को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर।
ये तो बहुत ही सिंपल चीज थी जो आपको करनी थी। अब इसका इस्तेमाल आगे आएगा जब आप हर इस सॉल्ट को की वजह से कितनी हार्डनेस हो रही है ये आप कैलकुलेट करेंगे और ये आगे के न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। ये बहुत ही प्राइमरी स्टेप थी। नेक्स्ट स्टेप के न्यूमेरिकल्स में इसके बाद आपको इन सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन दिया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मदद से आप निकालेंगे कि हर एक सॉल्ट के कारण हार्डनेस कितनी पैदा हो रही है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखते हैं।